हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फर्मेशंस की। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन कॉन्फर्मेशंस की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी और 99% जो क्वेश्चन आता है आपका या तो नेट में आए या गेट में आए, वो यहीं से पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, इसमें मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद में मैंने आपको क्या किया हुआ है, सबसे लास्ट में बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस दी गई है। क्लियर? तो इसके बाद आप इस प्रैक्टिस के बाद मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपको और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैं आपको जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सारे इसमें करा दूंगा। क्लियर? तो पहला डिस्कस करते हैं। देखो, पहला हम साइक्लोहेक्सेन का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। ये होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन का प्लेनर स्ट्रक्चर। क्लियर? अब इसका हम देखते हैं आपका चेयर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होता है उसका बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसमें जब हम ग्रुप्स को ऐड करते हैं तो उनका स्टीरियोकेमिस्ट्री पोजीशन क्या होता है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। साइक्लोहेक्सेन में जो ये वाले बॉन्ड होते हैं ये होते हैं आपके अबव द प्लेन, तो इनको हम किससे दिखाएंगे, वेज से। ठीक है, उसके बाद जो ये वाले बॉन्ड्स होते हैं ये होते हैं बिलो द प्लेन, इसको लिखाएंगे आप डैश से। ठीक है, ये आपका एच लिख देते हैं इनको, इनको बोलते हैं हम एक्सियल और ये बोलते हैं हम इक्वेटोरियल। ठीक है, ऐसे ही अगर ये वाले बॉन्ड है आपका, ये वाला एच है, तो ये क्या होगा आपका एक्सियल पोजिशन पे। ऐसे ही ये वाला अगर एच है तो आपका ये कहा होगा आपका बिलो द प्लोन, फिर ये इक्वेटोरियल आपका और ये एक्सियल। ठीक है, ऐसे अगर इस कार्बन की बात करें हम, तो इस कार्बन पे आपका जो ये वाला एच होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस नंबर 2 में अच्छे से समझा चुका हूं, बट फिर भी आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं। तो ये एच होगा आपका अबो द प्लेन होगा और एक्सेल होगा, और ये वाला जो एच होगा, अब यहां एच की जगह आपका कोई और भी ग्रुप हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो एच होता है आपका, ये क्या होता है, इक्वेटोरियल होता है और बिलो द प्लेन होता है। ऐसे ही ये वाला जो एच है आपका, ये बिलो द प्लेन होगा और एक्सेल होगा, और ये वाला एच है ये कहां होगा, अबव द प्लेन होगा और इक्वेटोरियल होगा। ऐसे ही आपका ये वाला एच बिलो द प्लेन और इक्वेटोरियल, और ये वाला एच आपका एक्सेल और अबव द प्लेन। ठीक है, ऐसे ही आपका इस कार्बन पे हम देखेंगे तो ये वाला एच कहां जाएगा आपका एक्सेल और बिलो द प्लेन, और ये वाला जो हाइड्रोजन आएगा आपका इक्वेटोरियल आएगा और अबव द प्लेन। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स हाइड्रोजन हैं, वो क्या आएंगे आपके अबव द प्लेन आएंगे, और सिक्स हाइड्रोजन क्या आएंगे आपके बिलो द प्लेन। क्लियर? अब हमें देखो यहां पे बेसिक क्या देखना है कि देखो हमें अगर मान लो कि आपको कोई फॉर्म दे दिया डायरेक्टली, इस टाइप से कोई फॉर्म दे दिया, ये मिथाइल मिथाइल, अब आपको बताना है सिस है ट्रांस है, या आपको इस टाइप से दे दिया, चलो इसमें तो आप डायरेक्टली बता दोगे, या आपको इस टाइप से दे दिया ये वाला, या कुछ इस टाइप से कुछ भी बना के दे दे, वो उसकी मर्जी है। तो आपको डायरेक्टली 2 सेकंड के अंदर किस टाइप से बताना है कि ये आपका, मान लो किस टाइप से दे दिया, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो आपको डायरेक्टली कैसे बताना है 1 सेकंड में कि आपका सिस है ट्रांस है। ठीक है, आपको ये फॉर्म ध्यान रखनी है कि जैसे यहां का आपका ये वाले CH3 और ये दोनों क्या है आपके इक्वेटोरियल है, तो इक्वेटोरियल पे यहां पर देखो क्या वेज पे आ रहा है, और ये वाला इक्वेटोरियल कहां आ रहा है आपका डैश पे, मतलब क्या हो गया आपका वेज और डैश ट्रांस हो गए, सीधी सी बात है। ये आपका क्या था डैश आया, इसका हम अगर इसमें प्लेन में बने, और ये क्या है आपका अबो तो प्लेन है, तो दोनों क्या हो गए ट्रांस हो गए। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको ये वाला पोजीशन दिया, दोनों क्या है आपका बिलो द प्लेन है, तो प्लेन दोनों बिलो द प्लेन है मीन्स आपका इस टाइप से है 1 3, तो CH3 एक साइडेड है, तो क्या हो गया आपका सिस हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपके ये तो आपको सिस ट्रांस की समझ में आना चाहिए, आपको सिस ट्रांस कैसे निकालना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपको ये बताना है, यहीं से क्वेश्चन जनरेट होता है कि आपको आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी बतानी है कंपाउंड की, कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है।
उसके लिए आपको देखना पड़ेगी उसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना पड़ेगा या सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना पड़ेगा। तो यहां पर हम जनरली क्या करते हैं, जो साइक्लो हेक्सेन के सब्स्टिट्यूटेड कॉन्फॉर्मेशन होते हैं उनमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो अब देखो, अब इसमें देखें हम यहाँ पे क्या आपका CH3 CH1 3 CH प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। देखो यहां से एक क्वेश्चन और बन गया आपका, यहां से आप क्या इजिली बता सकते हो ऑप्टिकल एक्टिव है। अब आपको दो तीन फॉर्म बना कर दे देगा वो इस टाइप से, या तो इस टाइप से दे दे। देखो इस टाइप से तो आपको इजी पड़ेगा, आप डायरेक्टली निकाल दोगे, बट आपको जब वो इस टाइप से बना के देगा, इस टाइप से ये भी थोड़ा इजी हो गया आपको, इस टाइप से बना दे तो आपको निकालना पड़ेगा। अब देख लो आपको 1 4 पे ये आपका क्या है, अबोव द प्लेन है, ये क्या है आपका बिलो द प्लेन है, मतलब 1 3 1 1 2 3 4 1 4 क्या आ रहा है आपका ट्रांस आ रहा है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो यहां से आपको बेसिक स्ट्रक्चर ये याद रखना है, जिसके बेसिस पे आपको मैं सारी स्लाइड में इस टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं, और इसी बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको बस जस्ट 2 सेकंड के अनुसार आंसर करना है। देखो मान लो कि आपका ये वाला क्वेश्चन है, देखो अब और ये ध्यान रखना है कि जब आपको इसको साइक्लो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो बल्की ग्रुप होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सबसे ज्यादा बल्की ग्रुप होता है, हमें कंपेरिजन करके देखना है, तो वो हमेशा इक्वेटर पोजिशन पे पहले उसको रखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है टर्सी बुटॉक्साइड, मान लो टर्सी बुटॉक्साइड आपने यहां रख लिया इक्वेटर, और आप देखो ये एक आदत डाल लो कि जब आप साइक्लो हेक्सेन का चेयर फॉर्म बनाए तो आप वेस्ट एज पे रखें, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी और ना आपकी गलती होगी। मान लो कि साइक्लो हेक्सेन को आपको टर्सी बुटॉक्साइड को आप यहां रखा वेज पे, ये भी वेज पे आपका 1 2 3 1 2 3 ये आपका डैश पे है, मतलब आपका क्या आएगा बिलो द प्लेन आ गया, मीन्स आपका एक्सियल है, और ये आपका क्या है अबोव द प्लेन है, तो ये आपका अबोव द प्लेन हो गया। तो आप यहां सीधा से निकालो, देख लो कौन सा है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और एक मिनट, तो ये क्या है आपका, ये सॉरी ये आपका गया इक्वेटोरियल पे, ये गया आपका एक्सियल पे, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपका अबोव द प्लेन है, अबोव द प्लेन मीन्स आपका अबोव द प्लेन आएगा, ओके 1 2 3 हाँ ठीक है, एक मिनट कुछ तो मिस्टेक है क्या इसमें, 1 2 3 वन आपका क्या आया एक्सेल पे आया, तो ये क्या आएगा आपका 1 6 1 3 6 है, तो आपका ये क्या जाएगा ट्रांस पे जाएगा, मतलब एक एक्सेल पोजीशन पे जाएगा। अगर 1 2 आपके ट्रांस है तो ये क्या जाएगा आपका, ये भी कहाँ जाएगा अबोव द प्लेन जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, सी ऑप्शन आ गया सीधा सा, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए थोड़ा हो गया क्लियर। तो आपका इसका आंसर क्या आ गया सी। उसके बाद देखो आपको 1 ट्रांस 1 4 डाइमिथाइल अब देखो बनाना है आपको CH3 ट्रांस बनाना है, ध्यान रखना है। अब आपका ट्रांस दो टाइप से हो सकता है, ये आपका डैश पे हो, ये वेज पे हो, ये आपका वेज पे हो और ये आपका किस पे हो डैश पे हो। तो देख लो अब आपको जब 1 4 रखना है, तो 1 2 3 4 4 पे ट्रांस देखना, 4 पे ट्रांस हम जब ले रहे हैं तो आपका मान लो कि इसको आपने किया 1, इसको आपने साइक्लो हेक्सेन बनाया, इसको क्या लिया आपने बिलो द प्लेन लिया, और ये क्या जाना चाहिए वेज जाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों क्या आएंगे आपके इक्वेटोरियल आएंगे, तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप बिल्कुल इजीली 5 सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हैं। देखो इस टाइप से मान लो कि आपको इस टाइप का बनाना है। अब अगर आपसे मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन पूछ रहा है और उसने आपको ना वेज ना डैश मेंशन किया है, तो आपको अपनी मर्जी से क्या करना है कि जो ग्रुप्स हैं उनको मैक्सिमम ग्रुप्स को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है, तो 1 2 ET और ME। तो इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन क्या आएगा बी आएगा, ये मैं आपको बताता हूं। इसमें जनरली आपका फंडा होता है 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन का। अब 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन क्या होता है, देखो कुछ इस टाइप से होता है 1 2 3 ये कोई ग्रुप है आपका R और ये कोई ग्रुप है आपका H। तो जो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं C
सी बॉन्ड सी और सी बॉन्ड एच, इनके बीच में आपका क्या होता है, इंटर आयनिक रिपल्सन होने लगता है, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। ठीक है, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से क्या होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और रिजल्ट्स क्या निकलता है हमारा, जो ये कॉन्फर्मेशन है जो डायएक्सियल पोजीशन का, वो क्या होता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन आपका क्या हो सकता है, मिथाइल और एच का भी हो सकता है, मिथाइल की जगह आपका कोई और भी ग्रुप्स हो सकता है, मीन्स आपका ये ग्रुप्स हैं जो 1-3 में जो ग्रुप हैं आपके सेम होने चाहिए, आपका मिथाइल मिथाइल भी हो सकता है इस टाइप से, या आपका कुछ इस टाइप से भी हो सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि इक्वेटोरियल में नहीं होता है आपका, 1-2-3, अब ये दोनों क्या है आपके सेम प्लेन में है, डैश 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 और डैश डैश डैश, मतलब CH3 आपके क्या है सेम प्लेन में है, तो यहां भी आपका क्या होगा, गोची इंट्रेक्शन बोलते हैं जिसको, 1-3 डायएक्सियल इंट्रेक्शन। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो साइक्लोहेक्सेन के सब्स्टिट्यूट कॉन्फर्मेशन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्टेबलाइज होते हैं। इसलिए हमें जब अगर आपका वेज डैश नहीं दिया हुआ है तो मैक्सिमम ग्रुप्स को क्या करना है, आपको एक्सियल पोजीशन पे रखना है, तो वो उसका क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब देखो गोची इंट्रेक्शन आपको, जैसे इस कंपाउंड में आपको गोची इंट्रेक्शन बताने, अब देखो यहां पे क्या आपका मिथाइल है, अब ये वाला एच आपका एक्सियल जाएगा, ये वाला एच आपका एक्सियल जाएगा, ये वाला एच एक्सियल जाएगा और ये वाला एक्सियल जाएगा। अब देखो कितने हो गए, एक आपका इन दोनों के बीच में हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन इनके बीच में हुआ, एक इसके बीच में, दूसरा, उसके बाद तीसरा। अब देखो ये वाला ग्रुप आपका क्या बिलो द प्लेन है, ये वाला एच भी 1-3 होना चाहिए, ध्यान रखना है 1-3, तो ये वाला 1-4। ठीक है, और एक एच आपका ये हो गया 1-3-5। ठीक है, और आपको अगर कहीं दिख रहा है, अच्छा एक आपका इसका इसके साथ हो गया 6। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं आपको यहां से इजी बनाता हूं इसको, ये आपका ग्रुप यहां नहीं है, एक्चुअली यहां होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके अगर 1-2 पे अगर CH3 ग्रुप आपके सिस हैं, या तो आपके इस टाइप से हो, इस टाइप से हो, या इस टाइप से हो, या कैसे हो आपके इस टाइप से हो, दोनों ब्लेड ऑफ प्लेन हो या इस टाइप से हो, तो इनमें भी क्या होगा आपका, गोच इंट्रेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसी क्वेश्चन को समझाता हूं। देखो यहां पे क्या था आपका, CH3 था, फिर आपका ये वाला CH3 था, और ये आपका CH3 था और CH3। अब काउंट करते हैं, देखो एक तो इन दोनों के बीच में हो गया, अब ये वाला एच आपका बिलो द प्लेन है, ठीक है, ये वाला एच आपका ऊपर प्लेन है, और ये वाला एच आपका। अब इस CH3 को देख लेते हैं, 1-2-3, 1-2-3, तो एक आपका इंटरेक्शन 1-3 डायरेक्शन इंटरेक्शन इसके साथ होगा, दूसरा किसके साथ होगा, इसका होगा, तो टोटल होगा हमारे 3, एक इनके बीच में हो गया आपका 4। ऐसे ही आपका इस मिथाइल का एक 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन इसके साथ और दूसरा इसके बाद, तो 4+2 टोटल कितना आएंगे आपके 6। क्लियर, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो यही आपको वही चीज बतानी है, मोस्ट स्टेबल। तो अगर हम यहां देखें आपका, देखो यहां पे है आपका ये दोनों ग्रुप क्या है, सिक्स है आपके, एक प्लेन में है, तो यहां पे आपको क्या होगा, 1-3 डायल इंट्रेक्शन होगा, 1-2-3। अगर यहां देखें आप तो यहां पे क्या आपका कितने डायएक्सियल इंट्रेक्शन हैं, डायएक्सियल ओनली इस मिथाइल ग्रुप के हैं दो। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे आपके क्या है, वही दो हैं, क्योंकि ये तो आपका इक्वेटोरियल है, तो इक्वेटोरियल का किसी के साथ भी इंट्रेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें देखें आप, ये एच आपका अवोदो प्लेन, ये एच आपका अवोदो प्लेन, और ये एच आपका अवोदो प्लेन, तो इस CH3 का इक्वेटोरियल का और इस CH3 इक्वेटोरियल का, इसका किसी के साथ कोई भी 1-3 डायएक्सियल इंट्रेक्शन नहीं है, मींस आपका इसमें कोई भी गोची इंट्रेक्शन नहीं है, मींस इसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है, मींस आपका डी क्या है, सबसे मोस्ट स्टेबल है। क्लियर, अगर आप एक चीज देखना चाहें, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका, डी होगा। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा होगा, ए होगा,
उसके बाद आपका बी और सी की स्टेबिलिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, अब देखो इसका आंसर देखा आपको एक सेकंड के अंदर आना चाहिए, क्योंकि मैं इस टाइप के आपको बता चुका हूं। अब देखा ना था आपको कि जब 1 4 हम क्या रख रहे थे, सिस रख रहे थे, 1 2 3 4 सिस रखना है, दोनों अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन है और ये भी अबव द प्लेन है मिथाइल। ठीक है, तो इसमें मिथाइल आपका वो एक्सियल है, इसमें इथाइल है, तो मिथाइल इथाइल ग्रुप क्या होता है आपका बल्की होता है एज कंपेयर टू मिथाइल, तो आपका जो ये आपका लेस स्टेबल होगा। और एक पॉसिबिलिटी क्या है आपकी कि आपका इथाइल कहाँ जाए, यहाँ एक्सियल पे आ जाए, और मिथाइल क्या आ जाए, इधर एक्सियल पे आ जाए। तो मिथाइल आपका लेस बल्की है और इथाइल क्या आपका मोर बल्की है, तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन क्या होगा आपका ये वाला, जिसमें आपका इथाइल क्या होगा एक्सियल पे है और मिथाइल क्या होगा इक्वेटोरियल पोजिशन पे। क्लियर, ऐसे ही देखो इस टाइप से क्वेश्चन देखो, वही आपको क्या है कि निकालना है, बस देखना है कि कहां कहां पे आपका 1 3 डायगोनल इंटरेक्शन हुआ है। अब अगर आप इसकी इसमें देखें आप EH, तो देखो 1 2 3 1 2 3, तो यहां पे आपके 2 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन है। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम तो यहां पे देखो H, तो यहां पे तो मिथाइल भी इक्वेटोरियल है, बट देखो ट्रिसिबुटाइल क्या एक्सेल है, बट यहां पे कोई एक्सेल पोजीशन पे एच के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, मींस आपका ये वाला क्या होगा सिस जो क्यू होगा वो क्या होगा मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें कोई इंटरेक्शन है नहीं आपका, क्योंकि देखिए आपका अगर ट्रिसिबुटाइल ग्रुप एक्सेल पोजीशन है बट इसके एक्सेल पोजीशन पे कोई एच आ ही नहीं रहा है। ठीक है, देखो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था साइक्लिक एक्शन का, वो आपको जरूर समझना है, उसमें आपको पोजीशन देखनी ग्रुप की एटम्स की कि किस टाइप से आपके किस कार्बन पे किस टाइप से होते हैं, तभी आप ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ऐसे अगर आपको इसको देखना है, देखो इसमें आपका ये एस एक्सियल गया और ये वाला एच एक्सियल और ये वाला एक्सियल, इसमें देखें आप 1 2, देखो इसमें भी क्या है आपका कोई एक डायरेक्ट 1 3 डायरेक्शन इंटरेक्शन नहीं है, बट इसमें देखा 1 2 3 टू डायरेक्शन, तो इसका आपका ट्रांसफॉर्म, तो आपका जो मोस्ट स्टेबल होगा वो क्या होगा ट्रांस आर होगा सिस क्यू होगा, ट्रांस आर सिस क्यू और ट्रांस आर, तो आंसर क्या गया आपका डी। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज बताता हूं मैं, अगर आपका 1 3 पोजिशन पे सिस है और आपका एक्स है, यहां पे एक्स आपका क्या हो सकता है ओआर हो सकता है, सॉरी एक्स ओएच हो सकता है, आपका फ्लोरीन हो सकता है, आपका क्लोरीन हो सकता है। अगर ये ग्रुप्स आपके हैं और आपका 1 3 सिस है, तो इसका ऑलवेज क्या होगा आपका जो डाई एक्सियल होगा, क्योंकि हम बात क्या कर रहे थे कि डाइकोटोल की बात कर रहे थे, बट इस केस में क्या होगा आपका जो डाई एक्सियल होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा एज कंपेयर टू डाइकोटोरियल, वो होगा रीजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आपको इसका फॉर्मूला देना है, ये वाला आपको कोई लेना है, मान लो कि सी एच ओ एच ओ एच हो, तो इसका आपको दो पॉसिबिलिटी, या तो आपके ओ एच ओ एच क्या जाए दोनों इक्वेटोरियल जाए, या आपके दोनों ओएच क्या जाए आपके एक्सियल, तो आपका ये वाला एक्सियल फॉर्म है इस इक्वेटोरियल फॉर्म के प्रेजेंस में क्या होगा मोर स्टेबल होगा। ठीक है, ये होना तो ये चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, तो कि हम क्या बोल रहे थे कि भाई एक्सियल जो ग्रुप्स हैं आपके क्या होने चाहिए एक्सियल इक्वेटोरियल पोजिशन पे होने चाहिए, बट इस केस में क्या होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके डाई एक्सियल क्या होता है मोर स्टेबल होता है। ठीक है, अगर यही केस आपका होता है 1 4 में सिस का, तो एक पॉसिबिलिटी 1 4 जब सिस होता है आपका, तो यहां पॉसिबिलिटी आपकी ये होती है कि एक एक्सियल जाता है, दूसरा क्या जाता है आपका इक्वेटोरियल। ठीक है, बट हमें इसका क्या होता है इसका आपका बोट फॉर्म मोर स्टेबल होता है 1 4 का डाई एक्सियल, वो भी किसकी वजह से होता है कि आपके दोनों ओएच क्या हो जाते हैं सेम प्लेन में आ जाते हैं, इसी वजह से इसका बोट फॉर्म। वैसे अगर हम देखें आप अगर साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशन से देखें, तो उसके जनरली 4 बेसिक फॉर्म होते हैं, सबसे जो स्टेबल होता है आपका चेयर फॉर्म होता है जिसको हम इस टाइप से बनाते हैं,
उसके बाद आपका ट्विस्ट वोट होता है, ठीक है, जिसको आप जनरली किस टाइप से बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, हाफ चेयर होता है जिसको आप इस टाइप से बनाते हैं, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका चेयर फॉर्म, सॉरी चेयर फॉर्म हो, सॉरी ये हाफ चेयर हो गया। उसके बाद बोट फॉर्म होता है जिसको आप इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। तो ये चार बेसिक फॉर्म होती है जिनकी स्टेबिलिटी का रोल होता है साइक्लो हेक्सेन की कॉन्फॉर्मेशन का, ठीक है। वैसे मोस्ट स्टेबल चेयर होना चाहिए अगर हम यहां बात करें, बट अगर 1:4 पे आपका ग्रुप्स में एक्सेल आने पर, सिस आने पर आपका हेड्रल मॉर्निंग हो रही थी, इसका क्या हो जाएगा, बोट फॉर्म मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसकी ही एक कंडीशन और आती है हमारे पास, जब हमारे पास बहुत बल्की ग्रुप हो, ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप हो, लाइक टर्सी ब्यूटोक्साइड, और अगर वो आपका एक्सियल पोजीशन पे आ रहा हो, ठीक है, अगर एक्सियल पोजीशन पे आ रहा हो, अगर पॉसिबिलिटी हो ऐसी, तो हमेशा उसका क्या होगा, आपको ट्विस्ट बोट ही मोर स्टेबल होता है। मान लो कि कंडीशन है कि आपका सिस 1:3 डाइएक्सियल है, तो इसमें सिस में तो क्या है, दोनों टर्सीब्यूटल एक्सियल चले जाएंगे, सॉरी इक्विटल चले जाएंगे। अगर ट्रांस 1:4 डाई टर्सीब्यूटोक्साइड की बात करें, तो इसमें भी क्या है, दोनों एक्सियल इक्विटल पोजीशन पर जाएंगे। अगर हम बात करें ट्रांस 1:3 डाई टर्सीब्यूटोक्साइक्लोहेक्सेन की, तो इसमें क्या है, आपका एक एक्सियल जाएगा, दूसरा इक्विटल जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका ये वाला फॉर्म क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, और इसका ट्विस्ट बोट होगा जो मोर स्टेबल हो, क्योंकि इसमें क्या होंगे, दोनों जो टर्सीब्यूटाइल वो के जाएंगे इक्विटल पोजीशन पे। ऐसे ही अगर हम सिस 1:4 डाइटर्सीब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करें, तो इसका चेयर फॉर्म का क्या होगा, ट्विस्ट बोट मोर स्टेबल होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, आपको नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आने वाले हैं एग्जाम में, अभी तक एक बार पूछा गया नेट में यहां से क्वेश्चन, बट आने वाले एग्जाम्स में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये याद रखना, बस एक चीज याद रखनी है, अगर आपको जो बेसिक मैंने समझा, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है आपको 1:3 है, 1:4 है, कि आपका टर्सीब्यूटोक्साइड ग्रुप एक्सेल पोजिशन पर आने की कंडीशन में है, तो आपको उसका ट्विस्ट बोट ही मोर स्टेबल करना है। अगर ऐसी कंडीशन है कि उसका दोनों इक्विटोरियल आ रहे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इक्विटोरियल में ही मोर स्टेबल होगा। बट अगर ऐसी कंडीशन है जैसे वन ट्रांस 1:3 वाली हुई, तो उसमें क्या, एक आपका एक्सेल जाएगा, इक्विटोरियल जाएगा, बट उस कंडीशन में आपका चेयर फॉर्म नहीं स्टेबल होगा, ट्विस्ट बोट मोर स्टेबल होगा, क्लियर। अच्छा, ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आप इनको देख लीजिएगा, मैंने आपकी नॉलेज के लिए डाल दिया है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो पढ़ के देख लिया आप समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ गया हूँ कि हम बात कर रहे थे कि टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप का आपका लार्जेस्ट ग्रुप है, तो ये हमेशा आपका क्या होना चाहिए, इक्वेटोरियल होना चाहिए, तभी आपका कॉन्फर्मेशन स्टेबल होगा। बट देखो इस कंडीशन में क्या है, आपका मिथाइल एक्सियल है, और इसमें क्या है, टर्सी ब्यूटाइल क्या एक्सियल है, बट ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, बिकॉज यहाँ पे देखो एच, ये वाला क्वेश्चन पहले भी समझाया मैंने, आया हुआ है, तो यहाँ पे देखो 1:3 डायक्सिल इंटरेक्शन है ही नहीं आपका। 1:3 डायक्सिल इंटरेक्शन तब होगा जब आपका कोई 1:3 पे एच आना चाहिए। अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है आपका, तो यहाँ पे कोई टर्सी ब्यूटोक्साइड के साथ कोई डायक्सिल इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो आपका मोर स्टेबल ही होगा। बट यहाँ पे देखिए मिथाइल एक्सियल आ रहा है, तो यहाँ तो मिथाइल और CH3 का क्या है, डायक्सिल इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, तो ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस टाइप के एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली, कॉन्सेप्ट है, आपको बस थोड़ा सा माइंड को ट्विस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करके देखनी है, देखिए आपको ट्रांस 1:2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाना है चेयर फॉर्म में, तो ये मैंने बता देखा हूँ कॉन्सेप्ट, आपको बता चुका हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये पहला आया हुआ है कि सिस 1:4-डाइटर्सीब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, अब सिस में देखो आप इस साइड से होगा आपका टर्सीब्यूटोक्साइड, देखो पहली बात तो मुझे बताइए कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, सोचिए और बताइए, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं इसके, सिस रखना है मतलब ये भी अबव द प्लेन है, और ये भी क्या है आपका अबव द प्लेन है, वही मैं आपको बता रहा हूं कि आप सेकंड के अंदर सिस ट्रांस बना दोगे, सेकंड के अंदर आप चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, सिस आप सेकंड में ही आपको चेयर फॉर्म से उसमें कन्वर्ट कर दोगे, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद है तो, ठीक है, बस वेज डेस वाला पंगा याद रखना है। अब देखो ये एक्सेल एक्सेल पोजिशन पे मतलब वेज पे है, और ये वेज पे है, क्लियर।
ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये भी होती है, आपका अफसर अब ये बोल सकते हैं आपने सर वेज पे क्यों बना, डैश पे क्यों नहीं बना। अब ये भी तो हो सकता है दोनों क्या हो, डैश पे हो तो लोड डैश पे बना दो, तो दोनों क्या जाएंगे आपके भाई बिलो द प्लेन जाएंगे। तो बिलो द प्लेन में आप इसको बिलो द प्लेन ये होगा आपका और इसमें बिलो द प्लेन ये होगा, तो वही कंडीशन है, एक एक्सियल आ रहा है एक इक्वेटोरियल आ रहा है, तो कुछ भी बना हुआ आपकी सुटेबिलिटी, ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है आपको, इजी हुआ। अब देखो यहां कंडीशन क्या रही, या हम किसी भी कंडीशन बनाए तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप क्या आगा आपका एक्सियल पोजिशन पे आएगा। तो इस कंडीशन में आपको बताया कि ये हमेशा किस में एग्जिट करता है आपका, ट्विस्ट बोट में। तो ट्विस्ट बोट में क्या है आपके दोनों क्या होते हैं इक्वेटोरियल पोजिशन पे होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट बता सकूं आप, इसको ट्राई कीजिएगा, उसके हिसाब से आप देखिए ये वाला क्वेश्चन है, हीटिंग करने पर आपका बाय लेक्टोन कौन सा बनाएगा। अब लेक्टोन के लिए हमें क्या करना है, लेक्टोन जब एसिड और आप एस्टर एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो माइनस एस टू रिलीज होता है। अब रिएक्शन करने के लिए क्या है आपका, दोनों OH और COH क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए, सेम प्लेन में होंगे तभी क्या आपके रिएक्ट करेंगे। अगर हम सेम प्लेन में देखें तो ये दोनों क्या है आपके, दोनों देखो बना लो इसको आप भाई वेजेंस में कन्वर्ट कर दो, ये भी क्या है आपका COH डैश में है, ये भी COH क्या है डैश में है, सॉरी ये आपका नहीं ये गलत, ये देखो ये डैश में है, ये डैश में है, दोनों क्या है सेम प्लेन में, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखो, अच्छा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको तो बाद में बताऊं, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ बाद में, लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन से आपको इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें हम, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा और सेकंड वाला क्या होगा लेस स्टेबल होगा। अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो मैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बता देता हूं, आपको अपने हिसाब से निकालना है। फर्स्ट सबसे मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है, ये देख लीजिए आप इनसे प्रैक्टिस कीजिए, इनमें गॉच इंटरेक्शंस निकाले कितने कितने हैं, क्योंकि जैम में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटीजर टाइप में वो आपको कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल दे देगा और उसमें पूछेगा आपके कितने गॉच इंटरेक्शंस हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट तो जो है वो आपको बता दूं, अब एक कॉन्सेप्ट में आपको टाइम वेस्ट करके 50 क्वेश्चन कराऊं तो वो कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। आप इनसे ट्राई कीजिए, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर दीजिए और गॉच इंटरेक्शंस निकालिए कितने कितने निकल के आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, आप यहां से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और मैं इनके क्या आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क कर देता हूं, अगर आप इसको क्या है वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके क्या लिया आंसर निकालिए और उसके बाद आपका मैच कीजिए कि कितने आंसर सही है। देखो मैंने आपको बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस दी है तो आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको आंसर मार्क कर दूं, पहले आप इसको पॉज कर लीजिए, मैं आंसर मार्क कर रहा हूं, उसके बाद आप मैच करना है, ठीक है। तो मैंने आंसर मार्क कर दिए हैं आपके, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जो वाली प्रैक्टिस है इसमें आपके बहुत सारे प्रैक्टिस है, अब उसके बाद मैं आपको बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस और लेके आना हूं। देखो ये वाला जो मैंने आपको बताया था पहले, मैं क्वेश्चन बता रहा था कि एनहाइड्राइड के लिए तो आपके इसमें क्या होना चाहिए, जैसे 1,3 डाइएक्सिल है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है सेम प्लेन में होना चाहिए, दोनों के आपके बिलो द प्लेन है, तो ये क्या आपके सेम प्लेन में होंगे तो क्या बनाएंगे एनहाइड्राइड में। ऐसे ही आपका क्या था लेक्टोन बनाने वाला, तो लेक्टोन वाला क्या होगा आपका सेम प्लेन में होना चाहिए, तो वही क्या बनाएगा आपका लेक्टोन बनाएगा। ऐसे ही जो 1,3 वाला मैंने आपको क्या बताया था कि डायएक्सिल आपका क्या होगा मोर स्टेबल होगा और डायएक्टोल का होगा लेस स्टेबल होगा, ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो इस स्लाइड में इतना ही आपका, नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा जिसमें हम जो ये है आपके इनमें हम आपको क्या बताएंगे आरएस नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन करेंगे कि आपके साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म होता है उसमें आरएस नोमेनक्लेचर कैसे निकालते हैं, एलिन का आरएस नोमेनक्लेचर निकालेंगे, उसके बाद आपका बायफेनिल्स का आरएस नोमेनक्लेचर निकालेंगे,
एक भी क्वेश्चन वहां से भी आता है आपका, ठीक है। तो ये मोस्ट उसके बाद आपको उस पर प्रैक्टिस दूंगा, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ है, इसके ज्यादा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए हुए हैं आपको करवा दिए, ठीक है। तो आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी नेट गेट और जेएन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।